श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 71। रथ और सेना सहित भरत की यात्रा। अयोध्या की दुर्वस्था देखते हुए सारथी से अपना द्वेषपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। तारांकन उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पार दूर तक फैला हुआ था, उस रादिनी नदी को लांघ कर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शत्रु नदी सतलज को पार किया। वहां से एल्धान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिलस्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञा भरत ने पवित्र होकर शिलवा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुंचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुंड वन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटिकोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए, जो वउथ के नाम से विख्यात था। वहां एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जिहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहां कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की, फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपीवती नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास थानुमती और विनद ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुंचे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथ से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित ये यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहां निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहां बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं, वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के धुएं की भांति दिख रही है।
पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुलनाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामीजनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथ है, ये पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमत एवं आनंदमग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी, अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मागप वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। रागयुक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगुरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है? वाद्यनदंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था, कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वो शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथ है, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। ये पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो, फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और केकयराज अश्वपति के थके मांदे सारथ से वहां इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। सारथ है, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं, इनकी किवाड़ें खुली हैं, इन घरों में बलि वैश्वदेव कर्म नहीं हो रहे हैं, ये धूप की सुगंध से वंचित हैं, इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रभाहीन, उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं, ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं, चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं।
सारथ से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थीं तथा दरवाजों की किवाड़ें धूली धूसर हो रही थीं। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पुनर्तः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया, उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता भवन में प्रवेश किया।